आज हम लोग देखते हैं वर्ब फॉर्म। तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो वर्ब्स के तीन फॉर्म होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये आपको कॉपी में लिख लेने हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो इसको बाद में जब जरूरत पड़ेगी यूज करने की तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास वर्ब है अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, इसका पास्ट होता है अब्यूज्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी अब्यूज्ड ही होता है। आप मीनिंग के साथ लिखोगे अब्यूज का मतलब, यहाँ जैसे आपने लिखा अब्यूज, ब्रैकेट में लिख देना गाली देना। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पोक और स्पोकन। लिव रहना, लिव्ड लिव्ड। रीड पढ़ना, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती, केवल प्रोनंसिएशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रोनंसिएशन है रेड, इसका भी प्रोनंसिएशन है रेड, रीड रेड रेड। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट रोट रिटन। नेक्स्ट फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल फॉलन। स्लीप सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट। वीप का मतलब होता है रोना, वेप्ट वेप्ट। हिट, हिट का मतलब होता है मारना, हिट का हिट ही रहता है। कट, कट का मतलब काटना, ये तीनों में कट ही रहता है। एंटर, एंटर का मतलब होता है अंदर आना, ये हो जाता है एंटर्ड एंटर्ड। गो, गो का मतलब होता है जाना, वेंट गॉन। आगे देखते हैं, ओपन का मतलब खोलना, ओपेंड ओपेंड। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज्ड क्लोज्ड। स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड Started. आज आपको और कोई एक्सरसाइज नहीं दी जाएगी, केवल यही प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो मैंने लिख रहा हूँ सारा कॉपी करेंगे और इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसका यूज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो हमने देखा स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। राइज, राइज होता है निकलना, उगना। रोज राइजन। देन और भी ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं, जैसे सिट सेट सेट, जंप कूदना, जंप्ड jumped, see, see का मतलब देखना, see, saw, seen, break,
ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लू फ्लॉन, स्विम स्विम का मतलब है तैरना, स्वयं स्वम, सिंग सिंग का मतलब होता है गाना, सैंग संग, डांस नाचना, डांस्ड डांस्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई भी वर्ब आप ले सकते हैं। तो हमने बेसिक वर्ब पढ़ लिया, लिखना पढ़ना सोना दौड़ना खाना। खाना के लिए होगा ईट एट, ईट एट ईटन, ईट का मतलब खाना। देन टी एच आर ओ डब्ल्यू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रू, टी एच आर ई डब्ल्यू, थ्रोन। पौर का मतलब होता है कि पानी को जैसे हमने बाल्टी में डाला, तो पौर इज उड़ेलना, पौर्ड पौर्ड। फिर ऐसे ही हो गया, जंप हमने लिख दिया, रन भी लिख दिया, दौड़ना खेलना, प्ले लेते हैं, प्ले का मतलब खेलना, प्लेड प्लेड। वॉक जिसका मतलब होता है चलना, पैदल चलना, वॉक्ड वॉक्ड। फिर इसके बाद ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना, तो ये हो जाएगा ब्रूम्ड ब्रूम्ड। तो इस ढंग से जो मुख्य वर्ब थी यानी मेन वर्ब थी वो हमने लिखा दिया है। इनको आपको कॉपी में लिख लेना है और इनकी मीनिंग याद कर लेनी है। इसके बाद हम इसका यूज करेंगे, जैसे एक दो यूज हम आपको दिखा रहे हैं कि हम यूज कैसे करते हैं। जैसे जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस टेंस में हम देखेंगे कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, और इसके बाद बोलेंगे कि यहां पर आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, सी आई पी एल ई है ये, एल नहीं है ये, तो पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, पी ए आर टी आई सी आई पी एल ई। तो उस केस में जैसे हमने आपको बोल दिया कि आपके पास है आई, और यहां पर गो को पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालना है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई, और इसके बाद हैज है में से चूज करेंगे कौन सा सुटेबल है, तो यहां पर हो जाएगा आई के साथ हैव होता है, और इसके बाद वर्ब गो का पास्ट पार्टिसिपल ढूंढेंगे। तो हमने पहले आपको बताया था, यदि आपको याद हो, कि गो के लिए हमने कहा था गो वेंट गॉन, ये था गो वेंट गॉन, तो आपको याद रखना है और फिर इसका हम यूज कर लेंगे। तो आई हैव गॉन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी स्लीप, तो इसमें भी पहले शी लगाएंगे, इसके बाद हैज हैव में से चूज करेंगे, तो यहाँ हैज हो जाएगा, और स्लीप का पास्ट पार्टिसिपल आपको याद है तो स्लेप्ट हो जाएगा, वो हम पीछे देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।